हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपका दोस्त सेम डी सेम और डेली बेसिस पे फ्री जॉब्स इनफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूं जो कि डायरेक्टली कंपनीज से होती हैं होटल से होती हैं सुपर से होती हैं और जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं जितने भी न्यूज़पेपर की वैकेंसीज पोस्ट होती हैं छोटी बड़ी कंपनी जो भी स्टाफ रिक्वायर्ड करती है उसकी इन्फॉमेशन मैं आप तक फॉरवर्ड करता हूँ बिल्कुल ही फ्री में ना ही कोई चार्ज आपसे डिमांड करता हूँ और ना ही किसी कंसल्टेंसी के लिए मैं वर्क करता हूँ और ना ही कोई एजेंट के लिए में करता हूँ सिर्फ और सिर्फ चैनमन इन्फॉर्मेशन आप तक मैं फॉरवर्ड करता हूँ जिसमें से नाइन्टी बिल्कुल

या कोई अदर इशू हो तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं www.freejobsindubai.com पहले पेज पे आपको जॉब्स की पोस्ट मिलेगी आपने उसे ओपन करना है ओपन करने के बाद हम चलते हैं लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन पे अब प्रैक्टिकली सीवी को सबमिट करके देखते हैं और वैकेंसीज क्या-क्या आई हुई हैं ये भी देखते हैं चलिए चलते हैं स्क्रीन पर तो गाइस लिंक पे क्लिक करके हम आ चुके हैं जॉब्स फ्री जोन के पेज पे यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ और वैकेंसीज भी बताऊंगा ये जो है बहुत बड़ी एक फ्री जोन की कंपनी है जिसका नाम जिसकी फुल फॉर्म जो है जेबिल अली फ्री जोन है जो कि डी पी वर्ल्ड का प्रोडक्ट है आपको मैं अप्लाई करके बताने से पहले बता दूँ यहाँ पर वैकेंसीज की लिस्ट आप देख पा रहा हूँ यही सारी वैकेंसीज अवेलेबल है फिलहाल करेंटली अप्लाई करने के लिए देखें दोस्त तो, तो सिंपली आपको सबमिट से ऑनलाइन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप इनके कैडेट पेज पर फॉर्वर्ड होंगे जहाँ पर यही वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने सारी वैकेंसीज लिस्टेड है जो कि सिर्फ और सिर्फ यू

पे क्लिक करूंगा जब आपको कोड कोड आप यहाँ पर कर देंगे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जब कोड आप डाल देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहले अपना नाम डालना पड़ेगा आपका नाम लास्ट नाम डालना पड़ेगा लास्ट नेम जो भी हो आपको फिर आपको अपना मिस्टर Mr. मिसर Mr. जो भी वो सेलेक्ट करना है फिर आपका मिडिल नेम आपका ईमेल एड्रेस री एंटर करना है ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर आपका एड्रेस पूरा डिटेलिंग में यहाँ पर आपको मेंशन करना है जो जो स्टार्स वाले पॉइंट्स हैं वो कंपलसरी है वो आपको मेंशन ही करने पड़ेंगे फिर आपको अपनी स्किल्स अगर आपके अंदर कुछ है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फिर आप कौन सी लोकेशन को प्रेफर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर, यहाँ पर यह सेलेक्ट कर दीजिएगा फिर आप यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी हाइट रखी जाएगी तो वो भी आप यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए फिर आपको एक अपना नेशनल आइडेंटिफायर डालना है जैसे कि पासपोर्ट हुआ आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हुआ वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं जॉब अप्लीकेशन क्वेश्चन आपसे कुछ पूछे जाएंगे हैव यू एवर बीन convicted with एनी क्राइम कि आपने कोई क्राइम करा है इसके इसके आपको क्वेश्चन आंसर के जो भी आंसर है यस yes और नो no में देने हैं और यहाँ पर पूछा गया आपके पास कितना एक्सपीरियंस है तो नो no एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं और आपके पास आप मेडिसिन लेते हैं या नहीं लेते हैं वो भी आप बता देंगे जब इन सब के आप आंसर्स दे देंगे फिर आपको अपने, अपना जो भी एक्सपीरियंस वो आइड करना है नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे फिर आप अगले अगले स्टेप पर आ जाएंगे आपको यहाँ से सी बी अपना रिज्यूम अपलोड पर क्लिक करना है अपलोड पर क्लिक करने के बाद अपना सी बी को आप यहाँ से अपलोड करेंगे जहाँ पर भी आपका सी पढ़ा हुआ होगा वहाँ मैंने यहाँ से अपना रिज्यूम अपलोड कर दिया जिसमें दो से तीन सेकंड लगेंगे अगर आपके इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी तो ठीक ये करने के बाद आपके पास लाइसेंस हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं फिर आपसे कुछ वर्क प्रेफरेंस पूछा जाएगा इनका आंसर आप दे भी सकते हो और नहीं भी आपकी मर्जी है या ऐसे छोड़ देंगे फिर लैंग्वेज आपको ऐड करनी है ये भी आपकी मर्ज़ी है फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो ये भी फिल कर सकते हो ये भी आपकी मर्जी है आप चाहो तो कर सकते हो अदरवाइज इसे भी ऐसे ही छोड़ सकते हो फिर लास्ट में आपको एक आपका अटैच डॉक्यूमेंट पर अपलोड पर क्लिक करना है यानी कि आपको पासपोर्ट साइज का फोटो अपना यहाँ पर ऐड करना है अपलोड पर क्लिक करके फोटो अपलोड करेंगे फिर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे इन्हें दोनों को यस करना है फिर आपको अपना फुल नेम जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पर आपको मैंशन करना है ये सब करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है देन आपका जो डाटा है वो इनके पास पहुँच जाएगा जाफ्फा फ्री जोन अथॉरिटी के